स्टार्ट आज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। और क्लास 10 जो 6 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं जनवरी 2021 को टारगेट लेकर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका श्योर आता है। और हम पहले इसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसको हम बात करेंगे, और इसके 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसा पहला होता है तो लाभ हानि जो हम लोग स्टार्ट करें उसमें पहला टर्म्स हो जाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और कॉस्ट प्राइस इसको शॉर्टकट में CP भी बोल देते हैं। ध्यान रखना है हम टर्म्स यूज़ करेंगे CP, इसलिए आपको ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस CP को बोलते हैं या क्रय मूल्य आप याद रखेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम आपको साधारण भाषा में एकदम बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिए क्या है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाए, तो जिस मूल्य से हम कोई वस्तु खरीदते हैं वह मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो जिस भाव से या जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। यहाँ सेकेंड टर्म्स की बात करेंगे तो इसको सेलिंग प्राइस भी इंग्लिश में बोलते हैं, और शॉर्टकट हम यूज करेंगे तो SP यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जिस मूल्य से खरीदी गई वस्तु, जो हम खरीदते हैं वस्तु को, उसको जिस भाव से तो खरीदी गई वस्तु को बेची जाती है वह क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो जिस भाव से हम वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य, जिस भाव से हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इसके 2 टर्म्स और बचे हैं जो हमको लाभ और हानि समझना है, तो उसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। देखिए पहले हम लोग समझेंगे प्रॉफिट, देखिए इसको बेसिक चीजें हमें पहले समझ लेना चाहिए। लाभ, और लाभ के लिए सभी परेशान रहते हैं, लाभ होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। हम इसको शॉर्टकट P ही लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे P का मतलब क्या हो जाता है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट समझिए क्या है, प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपका ज्यादा में कम में खरीदी गई वस्तु ज्यादा में बेची जाए। इसका मतलब आपका जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, मतलब हम जिस भाव से खरीदें उससे ज्यादा में वस्तु को बेचें, तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यही होता है कि जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, तभी ऐसा होगा। जैसे हम समझाएं आपको, इसमें हमें लिख सकता हूं, जिसमें जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो लाभ होगा। बस साधारण यही चीज हम यहां लिखवा दिए हैं। तो जब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। जैसे हम एग्जांपल देना चाहें तो आपको हम एग्जांपल दे सकते हैं, और इसके फार्मूले भी, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा में कम को घटाने से हमें प्रॉफिट होती है। मतलब अगर हम 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और 55 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, 50 में खरीदे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो हमारा 5 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका लाभ यही कैसे निकलेगा, इसको फार्मूला दे देता है, बच्चे फार्मूले में परेशान थोड़ा से हो जाते हैं, लेकिन मैं फार्मूला थोड़ा सा लिखवा दूंगा, लेकिन आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी। समझिए, यदि देखिए, यदि CP शॉर्टकट में लिख रहा हूं, या CP 50 रुपए हो तथा SP 60 रुपए हो तो लाभ क्या होगा। देखिए हमने आपको यहाँ बस समझाने के लिए लिख दिया है, और इसके लैंग्वेज ऐसे ही बना देते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदता, इसकी लैंग्वेज आप बना सकते हैं, एक वस्तु
एक व्यक्ति एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदता है और वह उसे 60 रुपए में बेचता है तो लाभ कितने का हुआ। ऐसा क्वेश्चन अब बन सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बस अभी प्रॉफिट लिखान जैसे निकाला कैसे जाएगा मैं इसको सिखा रहा हूँ आपको। देखिए समझिए, इसका मतलब 50 रुपए में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा। बहुत सिंपल सी बात है, दैनिक जीवन में यूज होने वाली बात है। कोई अगर कम में खरीदा है ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा। जैसे बोलते हैं ना, हम गांव में लोग बोलते हैं यार घाटे में मैं बेच रहा हूँ सामान, घाटे में बेच रहा हूँ या मैं ज़्यादा में बेच रहा हूँ। घाटे में बेचने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है कि वो जितने में खरीदता उससे कम में बेच रहा है तभी घाटा होगा। लेकिन यहाँ लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाभ कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी तो निकलेगा। अब बताओ क्या 50 में 60 घटाया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब इसी से फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना, अब यहाँ आ गया है आपका 10। अब इसे फार्मूला बना सकते हैं, ये क्या है, SP है, तो SP माइनस CP। अब इसको लोग फार्मूला बना देते हैं। अब फार्मूला किताब में आपके लिखा भी होगा, लेकिन आपको फार्मूला नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना बात समझना है कि ज़्यादा में वस्तु खरीदी गई है, कम में खरीदी गई और ज़्यादा में बेची जा रही है, तो ज़्यादा में से कम को घटा देना है। जैसे ज़्यादा कितना है, 60 है, 60 में से कम घटाएंगे तभी तो आपका आएगा 10। इसका मतलब 50 में तो घटा नहीं सकते हैं, तब इसी को फार्मूला जो है आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा क्या है, SP है, माइनस क्या है, CP है, तो ज़्यादा में अगर कम घटाएंगे तभी तो आपका आएगा लाभ, तो SP माइनस CP। जब याद करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इतना ध्यान देना है कि कम में खरीदी गई वस्तु जितने में खरीदी जाए उससे ज़्यादा में बेची जाए, बस यही ध्यान देना है अभी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं हानि को, दूसरा टर्म देखते हैं हानि। आज यही बेसिक चीज रहेगा, कल से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टाइप वाइज। देखिए हानि में क्या होता है, हानि आप समझ रहे हैं, कम में खरीद ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देना हानि कहलाता है, इसको लॉस बोलते हैं, ठीक है। लॉस इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा, आप ध्यान देना है, कैपिटल L से, ठीक है। और लॉस कैसे होगा, देखिए यहाँ समझिए, जब हम क्या करेंगे, जिस भाव से खरीदें उससे कम में बेच दें। देखिए जब जिस भाव देखिए जिस भाव से खरीदें, ऐसा इसकी डिफिनेशन थोड़ा छोटा कर देते हैं, खरीदें जिस भाव से खरीदें उससे बहुत ही कम, उससे कम भाव में बेचें तो हमें हानि होगी। जैसे यहाँ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपका क्या हो, CP बड़ा हो SP से, जब आपका CP बड़ा हो जाए। CP बड़ा होने का मतलब है, जैसे 50 रुपये में ख़रीदें और उसको हम 40 रुपये में ही बेच दें, तो इसका मतलब 50 रुपये हमारा क्या था, CP था, और कम में उसको बेच रहे हैं तो 40 हमारा क्या है, SP है। तो इसका मतलब यही बोल सकते हैं, जिस भाव से खरीदें उससे कम में भाव से बेचें तो हमेशा क्या होगा, उसको लॉस होगा। एग्जांपल मैं आपके लिए एक दे देता हूँ, जैसे मैं 50 रुपये का एक व्यक्ति, मैं थोड़ा बड़ा ही बना देता, एक व्यक्ति एक वस्तु 50 रुपये में खरीदता है और उसे 45 रुपये में बेच देता है तो बताइए कि कितने रुपए की हानि हुई, कितने
बताइए कि कितने रुपए की हानि हुई। अब थोड़ा ध्यान देना है, हानि कितने रुपए की हुई। अब यहाँ हानि परसेंट लाभ परसेंट हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ लाभ निकालना और हानि निकालना आपको सिखाया और फोर इसमें जो टर्म्स है वो भी आपको समझा दिए। तो ये कैसे निकलेगा, एक व्यक्ति एक वस्तु 50 रुपये में ख़रीदता है और उससे 45 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कितने रुपये की हानि हुई। इसका मतलब जितने में ख़रीदा है उससे कम में बेच रहा है, कम में बेचेगा तो हानि होगी। अब बताइए अब लॉस कैसे निकालेंगे आप, कम में ज़्यादा घटाएंगे, ज़्यादा में कम। अब ज़्यादा में तो कम हमेशा घटाएंगे, ज़्यादा कौन है 50 है, कम कितना है 45 है, तो कितना आ गया 5 रुपये लॉस। अब इसी को हम फार्मूला पे रूप में बदलना चाहें, बताओ ये 50 है क्या, वस्तु खरीदता है, ख़रीदने का मतलब है हमने आपको बताया है, ख़रीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस या SCP बोलते हैं शॉर्टकट में, या इसको क्रय मूल्य, जितने में ख़रीदता है वो क्रय मूल्य। बताओ इसका फार्मूला बन गया फिर, क्रय मूल्य माइनस अब कितने में बेच रहा है 45 रुपये, इसका क्या है विक्रय मूल्य है, बेचता है बेच देता है, तो ये हो जाएगा SP। अब इसको फार्मूला चाहे मान सकते हैं, चाहे फार्मूला माने या ना माने, आपके लिए शॉर्टकट तरीका ये भी बता दिए हैं कि जितने में ख़रीदेगा उससे कम में बेचता है तो लॉस होगा, हमेशा ज़्यादा में कम को घटाना है। ज़्यादा कितना था 50 था, 50 में से इसको घटा देंगे ये भी लॉस हो जाएगा, आपको पता है इसमें लॉस हो रहा है। तो ये तरीका है, ये लाभ और हानि हमने फोर टर्म्स इसके बता दिए इम्पॉर्टेंट, और कुछ मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, अगर याद करना तो आप याद कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कल ये मान सकते हैं आपको याद करने के लिए होमवर्क में रहेगा, याद करके आइएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके परसेंटेज में कुछ नहीं है, जो परसेंटेज पढ़े हैं आप उसी को निकालना है, जैसे प्रॉफिट परसेंट तो लॉ जो परसेंटेज का बेसिक रूल पढ़े हैं वहीं से इसको भी किया जाता है, बस ध्यान देना है। ऐसा मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंट तो जितने, देखिए यहाँ जो परसेंट होता है मैंने आपको बताया था गर्ल्स का परसेंट निकालना है, तो गर्ल्स की संख्या यहाँ, कुल की संख्या यहाँ गुणे 100, हमने यही बताया था। वैसे जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट यहाँ बटे में क्या रखेंगे, हमेशा CP, हमेशा CP नीचे रहेगा, चाहे वो लॉस हो रहा हो चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है, दोनों पर तरीके में हम क्या रखेंगे CP नीचे गुणे में 100। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। लॉस परसेंट में वही तरीका, यहाँ लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस यहाँ अपान में CP गुणे 100, बस यही याद रखना है। ठीक है, दो फार्मूले हैं, कुछ भी फार्मूला नहीं है, परसेंटेज का ही रूल है, तो आप इसको याद रखेंगे, कल यहाँ से चलेगा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।